आप एनडीटीवी के हो, आप एनडीटीवी के हो, चेक कर रहा हूं। हमने देखा है जब ये यात्रा चल रही है आपकी टी शर्ट बहुत चर्चाओं में है और खास तौर से मुझे आप लोगों ने डांट भी पड़वा दी और ये 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 डांट पड़वा दी आपने मुझे टी शर्ट कर करके मामा ने डांट मार दी मुझे। सेवा सिंह अब भैया पीएम वाला पूछिए, वो तीन है आपके, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सीएम कौन पीएम कौन, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा राहुल गांधी क्या है, कौन है, क्या नहीं है, क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया, उसमें थोड़ी सी सच्चाई आप बोल सकें तो अच्छी बात होगी और नहीं बोल सकें तो वो भी ठीक है। नमस्कार सर, आपने कहा कि अब लड़ाई तपस्या की है राजनीतिक नहीं, तो क्या आप तपस्वी हो गए हैं? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 3-4 बार कहा है कि हमारा लक्ष्य यात्रा का है और आप लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, पता नहीं आप यात्रा को दिखाते ही नहीं हो, आपको कहा गया है कि भाई यात्रा को दिखाओ मत, सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, मगर नेशनल मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कहते हो भैया चलो एक डिस्ट्रैक्शन मारते हैं, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, अगला सवाल आएगा पीएम कौन होगा, देख लेना आएगा, पक्का आएगा, डिस्ट्रैक्ट करना है भैया, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, फिर उसके बाद आएगा सवाल ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है, वो भी आएगा, तो आप करिए जो आपको करना है, मुझे भी करना है काम। थैंक यू। अमर उजाला जागरण से अश्विनी शर्मा। यात्रा शुरू होने से पहले के राहुल गांधी और करनाल तक पहुंचे, इसमें कितना अंतर आया है आपके अनुभव में और व्यक्तित्व में? भैया ये तो आपका डिसीजन है, ये तो आप लोग जज ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हो, मेरा निर्णय तो नहीं है, मेरा डिसीजन तो नहीं है, तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा राहुल गांधी क्या है, कौन है, क्या नहीं है, क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया, उसमें थोड़ी सी सच्चाई आप बोल सकें तो अच्छी बात होगी और नहीं बोल सकें तो वो भी ठीक है। पंजाब केसरी से मनोज राणा। सर नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरी वैसे हरियाणा की जनता भी जानना चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा कौन रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि भाजपा का तो उन्होंने क्लियर कर रखा है लगभग। हाँ देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 3-4 बार कहा है कि हमारा लक्ष्य यात्रा का है और आप लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, पता नहीं आप यात्रा को दिखाते ही नहीं हो, आपको कहा गया है कि भाई यात्रा को दिखाओ मत, सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, मगर नेशनल मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कहते हो भैया चलो एक डिस्ट्रैक्शन मारते हैं, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, अगला सवाल आएगा पीएम कौन होगा, देख लेना आएगा, पक्का आएगा कि डिस्ट्रैक्ट करना है भैया, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, फिर उसके बाद आएगा सवाल ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है, वो भी आएगा, तो आप करिए जो आपको करना है, मुझे भी करना है काम। थैंक यू। अमर उजाला से सेवा सिंह। अब भैया पीएम वाला पूछिए, वो तीन है आपके, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सीएम कौन पीएम कौन। जी मेरा डर है कि मैं 5 मिनट में इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा। राहुल जी 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है प्लीज। फाइनली टोटल टीवी से प्रदीप, फाइनली धन्यवाद राहुल जी, नमस्कार जयराम जी, धन्यवाद आपका सवाल पूछने का मौका देने के लिए। राहुल जी हमने देखा है जब ये यात्रा चल रही है आपकी टी शर्ट बहुत चर्चाओं में है और खासतौर से मुझे आप लोगों ने डांट भी पड़वा दी और ये 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 डांट पड़वा दी आपने मुझे टी शर्ट कर करके मामा ने डांट मार दी मुझे कि तुम कैसे घूम रहे हो। राहुल जी सवाल मेरा यह है कि ये यात्रा जो है राहुल गांधी की इमेज बदलने में कितनी कामयाब रही है, चर्चा ये भी है राहुल गांधी की इमेज बदली है, आप इसे एक बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, नहीं एक ही सवाल प्लीज प्रदीप, एक ही सवाल प्लीज हरियाणा का जिक्र प्लीज, मुझे रोकना पड़ेगा आपको प्लीज, एक ही सवाल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं मेरे माइंड में, है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है, बात नहीं समझे आप, हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात, ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो, राहुल गांधी आपके दिमाग में है,
मेरे दिमाग में है ही नहीं, राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, आपका है मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे अपना काम करना है। जनता टीवी से स्पर्श शर्मा, हैरान क्यों लग रहे हो आप? नमस्कार सर, आपने कहा कि अब लड़ाई तपस्या की है, राजनीतिक नहीं, तो क्या अब आप तपस्वी हो गए हैं? नहीं, मैं तपस्वी था, आप भी तपस्वी हैं। ये देश तपस्वियों का देश है, जैसे लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी कितने किलोमीटर चल गया, लोग ये क्यों नहीं कहते कि देखो किसान कितने किलोमीटर चलता है? हिंदुस्तान का कोई भी किसान नहीं है जो मुझसे ज्यादा नहीं चला है, एक नहीं है हिंदुस्तान का ऐसा, आप एक मजदूर नहीं मिलेगा आपको जो मुझसे कम चला है। हम ये क्यों नहीं कहते देखो देखो मजदूर कितने किलोमीटर चला है? क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है, और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है, और अगर जैसे मैंने कहा इस देश को सुपर पावर बनना है जो आप कहते रहते हो, तो तपस्वी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उत्पादक की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उससे गले मिलना पड़ेगा, बैंक के दरवाजे उसके लिए खोलने पड़ेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। सत्य खबर से सत्य सिंह। सर नमस्ते। सर पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पहले डिफेंस मोड में रहती थी, अब अटैकिंग मोड में है, हर जगह पे जवाब दिया जा रहा है, आपकी टीम ये अच्छा काम कर रही है। पर मैं हरियाणा के संदर्भ में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो सेंटर से ही सवाल रहता है। अभी पीछे राज्यसभा का चुनाव था, जमाकंद जी ने चुनाव लड़ा था, उस समय में एक क्रॉस वोटिंग हुई थी, कांग्रेस के पास वोट पूरे थे, उसके बावजूद कांग्रेस अपना राज्यसभा का सदस्य नहीं भेज पाई थी, उस पर ना आज तक कोई जांच की बात आई है और ना अभी तक उस पर कोई कार्रवाई जैसी बात है। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस प्रकार के मुद्दों पर भी, जिस प्रकार से देखिए सोशल मीडिया की बात करें, सोशल फेस बनाने की बात करें, कांग्रेस का जबरदस्त फेस होता जा रहा है, क्या ऐसे मुद्दों पर भी पार्टी में चर्चा होती है? डिस्ट्रैक्शन अटेम्प्ट नंबर टू। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशनल मामला है, यहाँ पे पीसीसी प्रेसिडेंट बैठे हैं, खारगे जी प्रेसिडेंट हैं, ये आप उनसे पूछिए, इनसे पूछिए। मेरा लक्ष्य क्लियर है, जो देश की आवाज है उसको सामने लाने का। अच्छा अटेम्प्ट था, मैं कहूँ कि उससे अच्छा था, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था, मगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। थैंक यू। ये जो यात्रा है, जो हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा रहा है और जो हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से जो लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इस यात्रा का एक और लक्ष्य है, और वो मेरा पर्सनल लक्ष्य है, और जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो उनका भी लक्ष्य है, वो है कि हम इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं, किसानों से, गरीब लोगों से प्यार करते हैं, और उनके साथ हम चलना चाहते हैं। तो यात्रा का लक्ष्य पर्सनल है, यात्रा का लक्ष्य देश की जनता को देश की सच्ची आवाज सुनाने का है। अब देखिए, उससे राजनीतिक फायदा हो नुकसान हो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, मगर यात्रा का लक्ष्य अवेयरनेस का है। और जो मेन तीन बातें हैं जो हम सब जगह कहते हैं, भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो, नफरत मत करो, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, जो सारा का सारा धन मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशंस, दो तीन चार लोगों के हाथ में है, इसके खिलाफ, और उसके जो नतीजे हैं, भयंकर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तेजी से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और लोगों को यह मालूम है
कि भाई हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका कारण है कि पूरा का पूरा धन 3-4-5 लोगों के हाथ में है, सबको मालूम है। लोगों को यह भी मालूम है कि वो जो धन का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, पूरा का पूरा पूरी आर्थिक शक्ति जो 3-4 लोगों के हाथ में जा रही है, उसका नतीजा बेरोजगारी है, उसका नतीजा महंगाई है, लोगों को कनेक्शन मालूम है। तो हम ये बात रखना चाहते हैं और बहुत सक्सेसफुली ये बात यात्रा ने रखी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां भी हम जा रहे हैं यात्रा इंप्रूव हो रही है। तो अब ये हमारा लक्ष्य था। दैनिक जागरण से अश्विनी शर्मा, नहीं बताता हूं, देखिए जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा, कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा, ध्यान काम पे रखो। तो वही थिंकिंग है यात्रा के भी। आपका सवाल अच्छा है, यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया राहुल जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।